इस वीडियो में हम समझेंगे मोलारिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन मोलारिटी मोलारिटी केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है मोलारिटी को हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं जैसे कि डाइल्यूशन, स्टोक्योमेट्री और रिएक्शन रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए आइए मोलारिटी को हम डिटेल में समझते हैं मोलारिटी को हम मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सल्यूशन इसे मोल्स पर लीटर या वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं मोलारिटी की ऐसा यूनिट मोल्स पर लीटर होती है मोलारिटी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए कि आपके पास एक लीटर पानी में 0.5 पॉइंट मोल सोडियम क्लोराइड है इसकी मोलारिटी यह होगी मोलारिटी ऑफ 0.5 पॉइंट मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द वन लीटर ऑफ वाटर इज़ 0.5 पॉइंट फाइव मोलालिटी मोलालिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री के वेरियस एरियाज में यूज होता है जैसे कि बोलिंग पॉइंट एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइए मोलालिटी को हम डिटेल में समझते हैं मोलालिटी को हम मोल्स मास पर के से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मोलालिटी इज डिफाइंड of द नंबर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसे मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी की ऐसा यूनिट मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम होती है मोलालिटी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए कि आपके पास वन किलोग्राम सॉल्वेंट में जीरो पॉइंट फाइव मोल सॉल्ट है इसकी मोलालिटी यह होगी मोलालिटी ऑफ 0.5 पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ सॉल्ट टू द वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट सोल्विंट इीरो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी केमिस्ट्री में यूज होती है जो कि सल्यूशन में एक कंपोनेंट के मोल्स को सभी कंपोनेंट के मोल्स को रेशियो में एक्सप्रेस करती है ये किसी मिक्सचर में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बताती है मोल फ्रैक्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कैलकुलेशन फेज एक्विलिब्रियम और आइडियल गैस बिहेवियर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दल्यूशन मोल फ्रैक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए कि आपके पास दो मोल्स शुगर और तीन मोल्स वाटर का सल्यूशन है सल्यूशन में शुगर के मोल फ्रैक्शन को जानने के लिए हम इसको फॉर्म्यूला में रखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ टू मोल्स ऑफ शुगर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस टू बाय फाइव Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.